नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं dilallantop.com। dilallantop देश में लोकसभा चुनाव की कवरेज के साथ साथ फेसबुक के साथ मिलकर फेक न्यूज से बचने के लिए एक वर्कशॉप कर रहा है और देश के अलग अलग इलाकों में ये वर्कशॉप हो रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची राजस्थान के शहर जोधपुर में। यहाँ dilallantop के रिपोर्टर निखिल ने एक ऐसी ही वर्कशॉप की। वर्कशॉप अटेंड कर रहे मान सिंह मेड़तिया को एक खबर पर शक था। वो एक वायरल मैसेज की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसमें राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है और राहुल उसमें कहते दिख रहे हैं कि यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो एक साल में 52 बच्चे पैदा करती हैं। मानसिंह जानना चाहते हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है। मानसिंह चाहते हैं कि dilallantop इस खबर की पड़ताल करें और उन तक सच पहुंचाए। मेरा नाम मानसिंह मेड़तिया है, मैं जोधपुर से बोल रहा हूं और आज मैंने फेक न्यूज़ वर्कशॉप अटेंड की है और आज ही मेरे पास एक फेक न्यूज़, मैं नहीं कह सकता, मेरे पास एक न्यूज़ आई है जिसमें राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि यूपी में हमारे पास ऐसी महिलाएँ हैं जो साल में 52 बच्चे पैदा करती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये राहुल गांधी जी ने कहा है, इस न्यूज़ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ ये सत्य है या झूठ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से संबंधित ये खबर पहले भी आ चुकी है। दावे को साबित करने के लिए कई तरह की फोटोज और वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, इसलिए हमने दावे की पड़ताल की और अब हम आप तक सच्चाई इसकी पहुँचा रहे हैं। पहले दावा जान लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे पैदा कर रही हैं। इंडिया टीवी की खबर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये सब बातें कही हैं। हमने इस दावे की पड़ताल की, हमने इस पूरी जानकारी को ढूंढा तो हमें ये वीडियो मिल गया। दरअसल अफवाहबाजों ने राहुल गांधी के वीडियो के एक हिस्से को काटकर भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये तकरीबन 10 सेकंड का हिस्सा है जिसे काटकर वायरल किया जा रहा है। ये बात 2011 की है, केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के फूलपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात की थी जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके बारे में वो बोल रहे थे। 2011 में इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 1400 रुपये मिलते थे, 1400 रुपीज़। तो राहुल गांधी ने उस रैली में कहा था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की मैं बात करता हूँ, हजारों करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने यूपी की सरकार को भेजा, जननी सुरक्षा योजना एक प्रोग्राम है, 1400 रुपए मिलते हैं महिलाओं को जब बच्चा होता है अस्पताल में। हमने आरटीआई से जवाब मांगा, आरटीआई में हमें जो रिपोर्ट मिली, यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह में एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। एक ही नाम है, 1400 रुपए हर सप्ताह उसकी जेब में, और ऐसी एक नहीं हजारों महिलाएं हैं। तो ये राहुल गांधी का वहां पर बयान था। वो वहां पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार था 2011 में यूपी में और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा था उसके बारे में उन्होंने ये बात बोली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ महिलाओं के यानी एक ही महिला के नाम पर हर हफ्ते एंट्री कर दी जाती है और उसके नाम पर 1400 रुपये की किस्त वो अपने खाते में लोग डाल लेते हैं जो भी भ्रष्टाचार वहाँ कर रहे हैं। तो इस पड़ताल में नतीजा क्या निकला? dilallantop की पड़ताल में नतीजा निकला कि राहुल गांधी के पुराने वीडियो को कि सिर्फ एक हिस्से को शेयर किया जा रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार के, करप्शन के संदर्भ में ये बात बोल रहे हैं। जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो सिर्फ 10 सेकंड का है, इसलिए गलत जानकारी फैलने के आसार जो हैं वो ज़्यादा हैं। हमारी पड़ताल में ये दावा झूठ निकला और भ्रामक निकला। अगर आपको भी चुनाव से जुड़ी या इसके अलावा भी किसी और खबर पर शक हो तो हमें लिखें। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। इसके अलावा हमारी चुनावी कवरेज देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए डाउनलोड करना ना भूलें हमारी ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जो आपका अवेलेबल है। शुक्रिया।